हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे न्यू बॉर्न बेबी के लिए कैप। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो तरह से कैप बनाने का तरीका बताऊंगी। इन्हें बनाना बहुत आसान है और ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही आरामदायक और अच्छे होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। ये मेरा फोल्डेड कपड़ा है, फोल्ड करके फिर मैंने इसे फोर फोल्ड किया है। ये हम सिंगल कपड़े से नहीं बनाएंगे, इसमें डबल कपड़ा लगाएंगे, तो इसलिए मैंने डबल कपड़े को फोल्ड किया है। तो देखिए, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई रखनी है वो हमें 8 से 8.5 इंच रखनी है। 8 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 8.5 इंच रखूँगी, क्योंकि ये हमारा न्यू बॉर्न बेबी से 4 महीने तक आराम से आ सके। तो देखिए, हम इस तरह से इसमें गोलाई में निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पर, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक या गाउन में कटिंग करते हैं उसी तरह से इसे हम राउंड में मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे मैं बिना सिलाई मशीन के बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। देखिए, अब हम इसे इस तरह से खोल लेंगे और 2-3 बार हम धागा फोल्ड करके इस तरह से प्लेट डालते हुए हम इसे स्टिच करेंगे सुई से। ये हमें सिलाई मशीन से नहीं बनाना, हम इसे हाथ से ही बनाएंगे। तो इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूंगी। इसे करने के लिए मैंने बड़ी सुई का यूज किया है और धागे को 3-4 बार फोल्ड करके मैंने यूज किया है। तो देखिए, मैंने सारा इस तरह से कवर कर लिया और हम इसे एक जगह इकट्ठा करके गांठ लगाएंगे। इसमें इसे हम इकट्ठा करेंगे और बीच में इसमें गांठ लगा लेंगे राउंड करते हुए। तो देखिए, गांठ लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। धागे को कट कर लेना है। अब देखिए, ये हमारा कैप बन के तैयार है। अब देखिए, जो हमने ऊपर गांठ लगाई है यहाँ पे, हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना। आप चाहो तो यहाँ पे बो लगा सकते हो, अगर आप बो लगाना चाहते हैं तो बो लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बो नहीं लगाऊंगी। मैं इसमें छोटी सी पट्टी लगाऊंगी फोल्ड करके। तो ये मैंने छोटी सी एक पट्टी बना ली है। पहले हम इसे अंदर की तरफ से लगाएंगे। तो मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और इसे सुई से स्टिच कर लूंगी। इसके बाद हम धागे को ऊपर की तरफ निकालेंगे और इसी पट्टी को हम इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके साथ सेट करके लगा देंगे। और जो हमने पट्टी लगाई है, बाद में हम इसके ऊपर एक स्टोन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा कितनी जल्दी बेबी कैप बनके तैयार हो गया। तो देखिए, बनने के बाद ये ऐसा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब बनाएंगे हम दूसरे वाला कैप। तो इसे बनाने के लिए भी मैंने फोल्डेड कपड़ा लिया है, तो इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग मैंने इसमें पहले से कर ली है। देखिए, ये हमारा फोल्डेड कपड़ा है, मैंने इसे फोल्ड करके लिया है 2 बार, डबल कपड़ा है। अब देखिए, मैं बताती हूँ इसमें मार्किंग हमें करनी है। तो देखिए, जो नीचे की तरफ करी है मैंने, वो 5.5 इंच है। इसकी जो चौड़ाई रखेंगे फोल्ड में, वो 5.5 इंच रखेंगे। ऊपर की तरफ भी हम 5.5 इंच ही रखेंगे और जो हम इसकी लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे, जो मार्किंग से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करके निकाल देंगे। तो देखिए, इसकी मैंने कटिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें इधर से 3 इंच पर निशान लगाना है। इधर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और जो ऊपर की साइड है यहाँ पे हमें राउंड देना है, तो इसलिए हम ऊपर की तरफ 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए राउंड में इसकी शेप दे देंगे इस तरह से। ये राउंड में मैंने इसकी शेप दे दी और इसकी कर लेंगे कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा राउंड वाला पार्ट है ये हमारा आगे की तरफ आएगा और जो ये प्लेन पार्ट है ये हमारा पीछे की तरफ आएगा गर्दन पे।
इसके सेंटर में कट लगा लेने हैं दोनों साइड, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अब देखिए, अब हमें एक पट्टी लेनी है, 3 इंच चौड़ी हम ये पट्टी लेंगे और इसकी सीधी करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इसकी मैंने कटिंग कर ली। इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो हम 6 इंच रखेंगे, तो 6 इंच पे मार्क करके इसकी भी मैं कटिंग कर लूंगी। इसके सेंटर में एक कट लगाना है ताकि जो हम प्लेट डालें वो एकदम हमारी सेंटर में आए। अब देखिए, ये हमारा फोल्डेड कपड़ा है तो हम इसे ओपन करेंगे और जो हम प्लेट डालेंगे, हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो इसलिए हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी जो प्लेट डालेंगे उस टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से प्लेट डाल लेंगे। तो मैंने इस पर सिलाई लगा के इसे स्टिच कर लिया। अब देखिए, अब डालेंगे हम इसमें प्लेट। तो प्लेट डालने के लिए जो हमने ये पट्टी ली थी इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और ये वाला पार्ट हम पट्टी के ऊपर रखेंगे और इस पर लगाएंगे हम सिलाई। तो फ्रेंड्स, नीचे की तरफ से हमें 1.5 से 2 इंच सिलाई बिना प्लेट के ही लगानी है, ऊपर की तरफ हम प्लेट लगाएंगे। तो ये 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी के पार्ट में जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ तक हम प्लेट लगाएंगे इसमें। तो देखिए, इस तरह से हम इसमें प्लेट लगा लेंगे, ऊपर की तरफ रखते हुए प्लेट को छोटी छोटी प्लेट डालेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, जो हमने इनके सेंटर में कट लगाए थे वो दोनों कट एकदम एक दूसरे के बराबर आने चाहिए, तो इन कट को मिलाते हुए हमें प्लेट लगानी है। इससे जो हमारा कैप है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसमें एक साइड भी प्लेट लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें इस तरह से प्लेट लगाऊंगी। पहले मैंने अपनी तरफ लगाई थी, अब मैं बाहर की तरफ लगाऊंगी। दोनों प्लेट मैं अपोजिट साइड में लगाऊंगी, एक दूसरे के सामने रखते हुए। तो इस तरह से हमें सारी प्लेटें डाल के कंप्लीट कर लेनी है। इधर से भी हमें 2 इंच नीचे की तरफ छोड़ते हुए प्लेट लगा लेनी है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी पट्टी है इसे हम ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग से। यहाँ पे हमें इसे फोल्ड कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे फ्रिल भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल पट्टी लगाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी आगे की तरफ आएगी। तो देखिए, जो हमारा कैप है वो आधा बन के तैयार है। अब हम नीचे का इसमें पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, ये हमने 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और हमने कैप से जितनी हमें बांधने के लिए तनी रखनी है उतना एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और इसे हम तैयार करेंगे। तो देखिए, पहले हम इसे नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसकी डोरी बनाएंगे। नीचे से हमें फिनिशिंग से बनाना है ताकि इससे धागे ना निकलें। तो देखिए, इसे सिलाई लगा के इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसी के साथ हम कैप को भी स्टिच करेंगे। तो देखिए, हम ये कैप लेंगे और इसके बीच में रखते हुए इस तरह से पहले हम इसे फोल्ड करेंगे नीचे से और इसके बीच में हम कैप को रखेंगे। इस तरह से हमें कैप रख लेना है और इसे हम सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी डोरी और कैप दोनों एक साथ स्टिच हो जाएंगे। हमें आगे तक ऐसे ही स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, जो हमने सेंटर में कट लगाया था वहाँ पे हमें प्लेट लगा लेनी है। नीचे की तरफ 2 प्लेट लगा लेंगे छोटी छोटी। इस तरह से हमें 2 प्लेट लगा लेनी है और हमें इसे डोरी के बीच में रखते हुए एकदम सेंटर में सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो कैप है वो बनके तैयार हो जाएगा और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है और पहनने में भी बहुत ही आरामदायक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स,
हमारा दूसरे वाला कैप भी बनके तैयार है। तो देखिए बनने के बाद ये इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी ही वीडियो बनाते रहें।